इसको अच्छी तरह देखिए, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था यह पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देर इज ए स्टोरी इन द फाइनेंशियल टाइम्स, वन ऑफ द प्रीएमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड, वेयर दे आर क्लियरली स्टेटिंग दैट अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइसेस। मिस्टर अदानी बाइज कोल इन इंडोनेशिया एंड बाय द टाइम द कोल अराइव्स इन इंडिया इट्स प्राइस डबल्स एंड ही हैज टेकन अप्रॉक्सिमेटली 12,000 करोड़ फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन इंडिया। आवर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर गोइंग अप, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं। ही टेक्स मनी फ्रॉम द पुअरेस्ट पीपल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू मी, द फाइनेंशियल टाइम्स हैज अ ह्यूज स्टोरी, दिस स्टोरी वुड ब्रिंग डाउन एनी गवर्नमेंट, दिस इज डायरेक्ट थेफ्ट बाय अ मैन हु इज बीन प्रोटेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka, in Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. This cannot happen without the protection of the Prime Minister of India. It is impossible.
So the question is, why is there no action being taken on this gentleman? Now, I have a CC meeting, so if you have a couple of questions on this topic, because I would like you not to distract from this topic. So if you have a couple of questions in this topic, I'm happy to answer them. हेलो बिल्कुल नहीं हुई सर आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसमें रोज एक नई कहानी जुड़ जाती है हर हफ्ते 10 दिन पर सेबी भी जांच कर रही है और आप लोग लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सेबी की जांच से कोई नतीजा निकलेगा या कुछ और आप जेपीसी से ही लगातार आप इसको सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो साफ मामला है हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है इसमें मतलब ये प्रूफ है इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास मगर कोई एक्शन नहीं और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो गरीब लोग पंखा चलाते हैं ट्यूबलाइट चलाते हैं तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो जैसे ही आप बटन दबाते हो ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है और करवा कौन रहा है अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो याद रखिए हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए जैसे ही आप स्विच दबाते हो चाहे वो बल्ब हो पंखा हो बिजली का पंप हो याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है पता नहीं और कितना है सर क्या संसद में या आगे कैसे इस मसले को राहुल जी आप लोग उठाएंगे नहीं हम उठा रहे हैं और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है लोग सवाल पूछ रहे हैं मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को जो भी वो चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर पोर्ट्स एयरपोर्ट्स एग्रीकल्चर जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा भाइयों और बहनों 32,000 करोड़ रुपए ये नंबर आप याद रखिए और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है ऐसी बहुत और आएंगी बढ़ता जाएगा और याद रखिए जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों युवाओं प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं एक बार नहीं अनेक बार सवाल उठे हैं हमने पार्लियामेंट में बात उठाई पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती इसका कारण क्या है इसके पीछे कौन सी शक्ति है पूरा देश जानता है राहुल जी यू सेड दैट द कॉस्ट ऑफ पावर गिवन टू कॉमन कंज्यूमर्स being hiked because of over invoicing of coal imports now no I have not said it
newspaper called the Financial Times. Okay. You quoting Financial Times has said it. I am just saying what they've said. So what I want to ask you is that since some of the state governments are subsidizing by, you know, subsidizing power to common people, now would these states be initiating some kind of probe because some of them are ruled by the Congress? Would you initiate? Would you, I mean, recommend that, that these? That's an interesting idea. That's an interesting idea. We'll look into it. राहुल जी, आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती. शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है, शरद पवार बार बार अदानी से मिलते हैं, मैंने उनसे, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है. शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी. मिस्टर मोदी इज. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. I'm Mohit. बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? राहुल जी, मैं मोहित हूँ. मेरा सवाल ये है कि लगातार आपने इस मामले को मुंबई के भीतर उठाया, वहाँ भी आपने की लगातार आप संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता बचता है कि इस मामले को ऐसा उठाएं कि असर हो कम से कम? नहीं, देखिए असर हो रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है. और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की मदद की जा रही है, जो उनका उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता. ये गांव गांव में लोगों को मालूम है, और गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, यहां पे ओवर इन्वॉइसिंग की है, 20,000 करोड़ रुपए का मामला उठा है, पूरा देश जानता है. तो मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं उनसे कह रहा हूं, आप सफाई दे दीजिए, कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी. बट प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद कोई और कारण है. मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, 20,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है, ये भी हो सकता है. आखिरी सवाल, जेपीसी आप कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे, क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे. ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है, इशू वो है. और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी? थैंक यू वेरी मच.